इन दिस प्रॉब्लम वी आर गिवन दैट हमारा एक पाइप है जिसके आगे का वॉल्व हमने बंद कर दिया जिससे पाइप में कोई लिक्विड फ्लो नहीं कर पा रहा। उस केस में हमने क्या देखा कि उस पाइप के अंदर प्रेशर है पी नॉट इज इक्वल टू 16 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर हम लोगों ने वॉल्व खोल दिया तो हमने पाया कि वॉल्व खोलने के बाद जब पाइप में से लिक्विड फ्लो करना शुरू कर दिया उस केस में नया प्रेशर आया पी इज इक्वल टू 11 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया है कि उस पाइप के अंदर जो लिक्विड वाटर है, ये बता रखा आपको, जो वाटर है उसकी वेलोसिटी कितनी है ये बताना है। जब लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है, जब वेलोसिटी जीरो है, उस केस में प्रेशर दे रखा है, और वॉल्व ओपन करने के बाद प्रेशर दे रखा है, वेलोसिटी पूछी गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वी विल यूज बर्नौलीज़ थ्योरम। बर्नौलीज़ थ्योरम का एप्लीकेशन क्या होगा, पी नॉट प्लस, इनिशियली तो वेलोसिटी जीरो थी, इज इक्वल टू पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, विच इंप्लाइज पी नॉट में से पी को सब्ट्रैक्ट किया, क्या है ये 5 × 10⁵ इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि वाटर है, डेंसिटी कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा आपका 10⁶ इज इक्वल टू 10³ वी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज वी इज इक्वल टू 10√10 मीटर्स पर सेकेंड। तो लिक्विड की वेलोसिटी या वाटर की वेलोसिटी कितनी है पाइप के अंदर, 10√10 मीटर्स पर सेकेंड।